अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से वापसी। अभी तो फिलहाल आए हैं हम लोग नॉर्थ टाउन चाय वगैरह पीने के लिए। आज मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। पुलिस वाले ने आज मेरे साथ ऐसा टाइट सीन किया ना, हमने स्टॉल लगाया हुआ था 14 अगस्त का, ठीक है। तो वहाँ पर मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, ऐसे अपने ब्लॉग की क्लिप शूट कर रहा था। वहाँ पर मोबाइल आके मुझे बोलती है, क्लिप क्यों शूट कर रहे हो, नहीं करो। मैंने हालांकि उनकी पिक्चर ली भी नहीं थी, वीडियो ली ही नहीं किसी भी तरीके से। फिर वो बोल रहे हैं, मुझे बिठाया उन्होंने गाड़ी में, मुझे 2 चमाट करा दिए, 4 डंडे करा दिए, मैंने चुप करके खा लिया। मैंने बोला चलो बड़े हैं, वैसे तो हम उनकी इज्जत करते हैं। उसका मैंने उनकी वर्दी की इज्जत कर ली, बस उनकी इज्जत नहीं करी। आज का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और आज के दिन में ऐसा टाइट सीन बना, इसकी कोई याद नहीं है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज का दिन वो सीन हुआ है ना, एक साल का सब कुछ ख़त्म हो जाता ना, वो सीन। मैं पूरी रात का नहीं सोया हुआ। अभी सनान और अयान को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल, इनके किड्स पैराडाइज एकेडमी। स्कूल जाते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा। नहीं अच्छा। और आपको कैसा फील हो रहा है स्कूल जाते हुए? अच्छा फील हो रहा है। वैसे स्कूल नहीं जाया करो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। जाने का दिल तो नहीं चाह रहा ना, पबजी खेलने का दिल चाह रहा है ना, और तुम्हारा फ्री फायर खेलने का दिल चाह रहा है। हाँ इधर देखो बेटा, फ्री फायर बेकार गेम है, मैंने मारना। फ्री फायर का, पबजी का, वो तुमने मार लिया, मैंने देख लिया बेटा, रहने दो। ओके भाई आयान भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको मिलते हैं स्कूल के बाद। अल्लाह तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस, तू ही छांव तू ही धूप रंगों के। अभी हम करेंगे नाश्ता, पराठे लेके जा रहे हैं, मम्मा ने मंगवाए थे पराठे, अभी घर पे लेके जाएंगे पराठे, फिर पराठे खाएंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, अभी हम करेंगे नाश्ता बात। मेरे पास आया मैं मतीन 11। मतीन क्या हुआ आपके साथ? गर्दन अकड़ी है यार। गर्दन अकड़ी पे? अबे ओए नहीं कर, अबे नहीं कर यार, बहुत ज्यादा। मैंने सुना अपना आटू बेच रहे हो, कितने का? नहीं बेच रहा। कितने का बेच रहे हो? नहीं बेच रहा। क्यों? कल तो बात हो रही थी इसकी। बाहर बैठा हुआ है, बाहर बराबर में बैठा हुआ है, बाहर बराबर में बैठा हुआ है। जरा इसकी, ओहो ट्रांसपेरेंट मोबाइल, अच्छा गेमिंग के लिए अच्छा है ना। चलिए भाई, पता नहीं किस चीज़ के दुख में बैठे हैं। सिद्धांत भाई को झंडे लगाने दे रहा नहीं। सिद्धांत भाई क्या हुआ, चलिए जल्दी बता। आज पेपर भी है आपके साथ, क्या हुआ, किसने झंडे नहीं लगाने दिए, नाम बताएं। सब लगाने दे रहा, लगाने दे रहे। अच्छा अदर यार, कल 14 अगस्त है, क्या सीन है फिर? कल 14 अगस्त 14 आज आज हो चुकी है। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं। अब ये सारे जितने बाइक वाले हैं राइडर वगैरह, ये सारे अपने बाइकों की खतने करवा लेंगे, साइलेंसर काट देंगे, फिर बजाएंगे, फिर पों 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 इस तरह गाड़ियां भगाएंगे। इतने जहर लगते हैं ना इधर ये लोग, मुझे इतने बेकार लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पहले आप भी ऐसे थे? कोई नहीं बेटा, मैंने आज तक इस तरह कभी गाड़ी नहीं भगाई है। बिल्कुल शरीफों वाली गाड़ी चलाता मैं, बिल्कुल जिसका साइलेंसर पूरा चौक होता था, आवाज़ तक नहीं आती थी, इतनी सुकून वाली गाड़ी। अभी मैं और सुबह जा रहे हैं सुफियान को लेने स्टॉल पे से। सुफियान ने लगाया हुआ था 14 अगस्त का स्टॉल। सुबह इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? यार फर्स्ट टाइम था। अब देखो माल के पैसे भी, अब पहले प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन माल के पैसे पूरे हो गए माशाल्लाह से, लगा लगा कर हमें। अभी निकालते हैं, चलो सुफियान को उठाते हैं वहाँ से और सुफियान ले खाएँगे हम पहले जिंगर, अगर उसने खिला दिया तो। वैसा है तो वो इंतहाई किस्म का कंजूस इंसान, जिसे एकदम शुम बोलते हैं ना, वो इंसान है वो। वैसे तुम उसके साथ स्टॉल पे होते थे, वैसे क्या कुछ खिलाता था? नहीं खिलाता था वो यार, नहीं खिलाता कुछ भी, कुछ भी नहीं खिलाता था। एक कप चाय भी नहीं खिलाता था वो? नहीं ना, इतना शुम। पेट्रोल का 50 रुपये दिलवाता था वो। अभी आपको मिलते हैं सफियान को लेते हुए स्टॉल पे सर, ठीक है। अभी तक यहाँ पर इतना रश हो रहा है अभी तक, और हम अभी तक यहाँ पर इतना भरपूर रश हो रहा है। हाँ भाई फिर क्या सीन है, कहाँ चलना है बताओ? चलते हैं यार,
वैसे इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? आवाज़ जैसे इसमें सही आ नहीं रही होगी बेटा। क्या हो गया, पूरे थके हुए लग रहे हो तुम तो? हुआ क्या जरा बताओ तुम? अब फाइनली सुफियान को लेने जा रहे हैं, फाइनली मैं दो बार वहाँ से चक्कर लगा के आ चुका हूँ, मगर वो बोल रहा है नहीं भाई मुझे वहीं रहने दो वहीं सुला दो, वहीं रह लूँगा मैं। लेकिन इतनी आ रही है ना कसम से, ये देखो मेरी हालत, देखें क्या हो रही है। मेरी भी हालत ऐसी हो रही है, मैं दो दिन से सही सो नहीं पा रहा हूँ, मैक्सिमम 3-3 घंटे सो रहा हूँ बस, उसकी वजह से जाग रहा हूँ मैं स्टॉल की वजह से। अगली बार लगाएंगे फिर देखिएगा आप हमारा स्टॉल, और विज़िट भी करिएगा हमारे स्टॉल पर। और यार ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। अपने लिए हम ले चुके हैं सुफियान अहमद पोटरी को, और इनको देखें लग कैसे रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने पूरी दिन रात मेहनत करी है, तो ये ऐसे हो गए। अभी मम्मा ने मंगवाए थे हमसे पराठे प्याला होटल के, अभी हमने प्याला होटल से ले चुके हैं पराठे, अभी आपको वो दिखाते हैं। और अभी हम ले रहे हैं चाय। अबे भाई 150 रुपये की चाय कोई लेता है क्या? पागल हो गया क्या? 50 रुपये की ले लें यार। तो ले लो भाई आप। भाई नहीं ले लो, फिर घर पे आप सुनना मम्मा से, ठीक है? नहीं भाई सुन लेना, फिर एक कप कम पड़ जाएगी। तो भाई तूने अभी से मेरे ऊपर 550 रुपये खर्चा करा दिए तूने। तो क्या हुआ फ्री का नाश्ता हो रहा था। तो बेटा जिंदगी भर फ्री का नाश्ता खाते रहो, वही सही है तुम्हारी, है ना? हाँ भाई हाँ। पोटरी तुम स्टॉल पे कब आए तुम? पोटरी स्टॉल पे याद करो बेटा, स्टॉल लगवा के किसने दिया? चार भाई तुम सारे मसले कितने सॉल्व करे स्टॉल के? 500 ग्राहक आ रहे थे, दो बंदे खड़े हुए, तुम भी बताओ 5-6 पीस तो इसी शार्ट हो गए। झूठ बेटा झूठ, सुबान भाई गए मेरे पास। सुबान ऐसा नहीं है ना भाई, ये बताओ स्टॉल लगा के किसने दिया? ये बताओ पीस कितने शार्ट भाई, ये बता दो आपको स्टॉल लगा के किसने दिया, सारे मसले कितने हल करे स्टॉल के? पीस बता दे भाई, ये बता दो, बता दो ना सारे मसले स्टॉल के किसने हल किया? वो तो मैं भी हल कर लेता। रहने दो बेटा, वो मैंने देख लिया था आप लोग कितने हल कर रहे थे कितने हल नहीं कर रहे थे। भाई 20 पीस गायब हुए हैं। पीस गायब हुए हैं? हाँ। कितने? 10 पीस गायब हुए। मुझे तो नहीं लगता एक भी पीस गायब हुआ हो। 10 पीस जो तू गायब क्यों नहीं हो गया, तू भी उधर ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छा था। ओके भाई अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।